Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा, मैं अंजना गोपी आप सभी का सिंपली एंड ब्लिसफुल ब्लॉग्स में हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज का जो ब्लॉग है वो है मॉर्निंग रूटीन ब्लॉग और आप सभी का फेवरेट ब्लॉग। तो आप सभी के साथ में आज का दिन मैं शेयर करने जा रही हूँ। तो आज का ब्लॉग है 3 बजे से लेकर के 12 बजे तक का। तो आपने देखा कि हमने अभी माला कर ली है और उसके बाद अभी हम ठाकुर जी के वस्त्र बदल रहे हैं। तो चलिए अभी हम मंगल आरती कर लेते हैं। हरे कृष्णा। तो आप सभी ने देखा कि अभी हमने कर ली है ठाकुर जी की मंगल आरती और बस यहाँ पर राधिका का प्रैक्टिकल है तो वो थोड़ा प्रैक्टिस कर रही है। और यहाँ पर मैंने जो है सुबह सुबह ठाकुर जी को आज अनार और किन्नू ऑफर तो किया आप था। सभी को हरे कृष्णा और मैं अंजना गोपी आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो अभी है लगभग 6:30 बजे का समय और चैंटिंग जो है वो मैंने कर ली है और अभी कुछ राउंड्स बच रहे हैं, 1-2 राउंड्स मेरे बचे हुए हैं और मैं जा रही हूँ ठाकुर जी के किचन में। प्रभु जी जो है अभी मंदिर के लिए निकल चुके हैं क्योंकि आज सैटरडे है और वहाँ पे उनके क्लास है और मैंने उनको जो है फ्रूट्स पैक करके दे दिए हैं जो भी घर पे अवेलेबल थे और ठाकुर जी को भोग लगा के दे दिए हैं। और राधिका के लिए मैं अभी ठाकुर जी को एक सिंपल सा सैंडविच जो है कैप्सिकम वाला ऑफ़र कर दूँगी और वो पैक कर दूँगी। तो चलिए अभी उसके बाद मुझे ज़्यादा बनाने की नीड नहीं है तो कुछ एक दाल थोड़ी सी रखी है और ठाकुर जी के लिए मैं कुछ ना कुछ बीच में ज़रूर बनाऊंगी, राइस एंड ऑल बना के ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। तो चलिए मैंने सोचा कि आपसे 1 मिनट के लिए मैं बात कर लूं और उसके बाद जो है मैं सेवाओं में लग जाऊं। तो चलिए मिलेंगे अब राधिका के साथ में और ठाकुर जी एकदम तैयार हैं, आपको दर्शन भी मैंने मंगल आरती के करवा दिए हैं। तो चलिए आज का दिन जो है हम आगे बढ़ाते हैं और आप सभी के साथ में शेयर करते हैं। और आप सभी कैसे, आप सब बताइएगा। और यहाँ तो ठंड भी पहले से कम हो गई है तो बहुत अच्छा मौसम हो गया है। तो चलिए हरे कृष्णा जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय, गौर भक्तविंद की जय। तो हमारी जो है ये ऑफरिंग है ब्रेकफास्ट प्रसादम मॉर्निंग का और भगवान को भी सैंडविच ऑफ़र कर रही हूँ मैं और इसके अंदर कैप्सिकम है। तो चलिए मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलती हूँ ऑफरिंग लगा के लंच एंड ऑल पैक करके। हरे कृष्णा। और ये रही हमारी न्यू घंटी, ये आपने मेरे बर्थडे व्लॉग में देखी होगी
तो ये मैं पास से दिखा देती हूँ, बहुत ही बहुत अच्छी है और बड़ी ही स्वीट वॉइस है। तो चलिए मैं अभी ठाकुर जी को भोग लगा लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो राधिका के लंच बॉक्स तैयार है, इसमें है फ्रूट, इसमें है चाउमीन, वैसे तो चाउमीन अलाउ नहीं है लेकिन एग्ज़ाम चल रहा है तो राधिका थोड़ी सी लेके जा रही है, और क्योंकि बहुत डिलीशियस बनी हुई है तो भी चाउमीन अलाउ है ना। चलो आप अपनी कॉम करवा लो। हैं ये रहा टिफ़िन, इसमें सैंडविचेस पैक कर दिए और यही रही वाटर बॉटल। और बस राधिका के अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम्स, तो थोड़ा सा जल्दी जा रही है और जल्दी शायद अब 11:30 छुट्टी हो जाएगी ना आपकी। तो चलिए बज रहे हैं और बस 7:20 पे या 25 पे हम लोग निकल जाते हैं क्योंकि बाय वॉक जाते हैं। तो मैं राधिका की कॉम कर देती हूँ। हरे कृष्णा बोल दो सभी को। हरे कृष्णा। हमारे घर में जो है अभी तक 22 जनवरी जो है एंड नहीं हुआ है और जाती है क्योंकि दुबई में राम आए हैं। चलिए आज थोड़ी ठंड कम हो गई है ना, ठंड कम हो गई है लेकिन मैं अभी ऐसे ही हूँ क्योंकि ये जो ठंड होती है ना, जाती हुई ठंड, ये बड़ी ख़तरनाक होती है और ये कभी कभी लग भी जाती है। तो बस और ज़्यादा वैसे इनर एंड ऑल नहीं डाल रखे मैंने बस, लेकिन कैप मैंने जैकेट एंड कैप लगा रखी है। तो चलिए राधिका तो हो गई है तैयार, राधिका की चोटी कर देते हैं अच्छे से, थोड़ी देर टोपी लगा लेना ठीक है, फिर अगर गर्मी लगी है तो फिर उतार के बैग में रख लेना कि बोरोलिन जो है वो बहुत पुरानी क्रीम है और ये मेरी मम्मी भी लाती थी और मैं भी लाती हूँ। मम्मी की टाइम की है मम्मा के। और फिर गाल नहीं फटते बिल्कुल भी, अच्छे से लगा के जाओ, गाल भी नहीं फटेंगे और लिप्स भी नहीं फटेंगे। तो चलो सबको हरे कृष्णा बोल दो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो ब्रेकफास्ट प्रसाद हम ले लिया करो। एग्ज़ाम बच्चों के चल रहे होते हैं और ऐसा लगता है मदर्स की भी एग्ज़ाम हो जाते हैं, सभी मेरे से एग्री करते होंगे। और पूरा का पूरा दिन ऑक्यूपाई हो जाता है कि अब कौन सा एग्ज़ाम आ रहा है, अब क्या चाहिए, क्या तैयारी, कौन सी नोटबुक स्कूल में तो नहीं रह गई, तो यही सब चलता रहता है। अभी ये बहुत टाइम तक चलेगा। तो राधिका जो है ये वाली जो पेंसिल लेके जा रही है इसके ऊपर ये एलियन बने हुए हैं। एलियन दिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों क्लियर नहीं आता ऐसे दिखाने से ना। ये गुड़ रखा हुआ है मैंने, कि एक्चुअल में क्या था सुबह ट्राइपॉड नहीं था ना मेरे पे, प्रभु जी को दे दिया था उस स्टैंड मैंने, तो मैंने फिर ऐसे गुड़ का वो पीछे लगा के तब फ़ोन लगा के जप करा है ऑनलाइन। तो ये राधिका जो है अपनी फ्रेंड के लिए लेके जा रही है ना, और इस बहुत अच्छी इस तरह से ना हमें बहुत अच्छा लगता था, हमारे पास ऐसी पेंसिल एक्चुअल में होती भी नहीं थी जब हम छोटे थे ना, तो बड़ा अच्छा लगता है इसको देख के। और ऐसी पेंसिल जब हम मिल जाती हम कितने महीनों चलाते थे, और इसके ऊपर जो ये इरेजर हम इस तरह से लेते थे ना क्लास में, तो बड़ा अच्छा लगता था, लगता हम आपको कुछ डिफरेंट ही है। ठीक है तो आप अपनी फ्रेंड को दे देना ये, ठीक है बोलो। एलियन के पास कौन कौन से राइट है? एलियन के पास येलो येलो राइट्स है। राइट्स राइट्स कहते हैं इसको, हाँ मतलब जैसे वो रोशनी डाल सकते हैं। तो चलिए फिर निकले बेटा, तो आप शूज़ डाल लो और फिर हम निकलते हैं। लो बेटा अपने वो उसकी कोट की जेब में डाल लो आप सामने, ठीक है। तो मेरी कोट की जेब कुछ ऐसी है। हरे कृष्णा बोल दो सभी को। हरे कृष्णा। और मैंने अभी ये वाली कैप लगाई है, ये वाली कैप मैंने इस साल डाली ही नहीं है, और ये पूरी नीचे तक थी मिस गले तक थी, ये मैंने जो है उसे कट करके पूरा बढ़िया से सिलवाया है, और बस मैंने इसको सिंगल ऐसे ही रहने दिया है ऐसे, ताकि ये क्योंकि गर्दन तक कभी कभी लेने का इच्छा नहीं होता है। तो ठीक है अभी चलते हैं। हरे कृष्णा। चलो अब हम चलेंगे, अब दूसरे रास्ते से चल रहे हैं हम।
हरे कृष्णा। ठंडक है पर कम हो गई पहले से ठंडा ना। आजकल राधिका पता नहीं क्या कर रही है, बताओ सबको क्या कर रहे हो आजकल? चाट मसाला खाती है। चाट मसाला जो है वो पता नहीं छोटे छोटे उसमें पैक करके ले जाती है और खाती रहती है। ऐसे नहीं खाते इतना ज़्यादा। क्यों? कोई बात नहीं, हम भी छोटे में ऐसे करते थे छोटी मोटी चीज़ें, है ना। तो बस मैं बता रही थी राधिका को कि हमारे एग्ज़ाम होते थे ना, तो हमें हमसे ज़्यादा हमारी मम्मी को टेंशन पड़ी रहती थी कि इसका एग्ज़ाम है, इसको सुबह उठाना है। और फिर मेरे पापा मुझे उठाने आते थे और फिर मैं स्टडी कर लेती थी, है ना। मेरा भाई और मैं एक साथ स्टडी करते थे, और फिर मेरे भाई का स्कूल पहले था और मेरा बाद में था। मेरा भाई बस से जाता था और मैं बाय वॉक, मीन्स 8 तक। उसके बाद फिर मेरा स्कूल हो गया था दूर, तो मैं जाती थी बाय रिक्शा। तो राधिका का अच्छा है कि राधिका का बाय वॉक है, बाय वॉक जाने में अच्छा लगता है। और ऐसा था पास में ही है स्कूल। अरे बिल्ली, तो चलिए अभी मैं मिलूंगी आपसे थोड़ी देर के बाद। आई थिंक मुझे ये कैब सूट करती है इस टाइप की, है ना राधिका, आपको क्या लगता है? मुझे इस टाइप की कैब सूट करती है ना। तो बस अब थोड़े दिन के लिए ही है ये कैब्स भी, और अभी मिलेंगे हम आपको थोड़ी देर के बाद घर पे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो बस राधिका को ड्रॉप करके मैं स्कूल से आ चुकी हूँ, जैकेट और मैंने चेंज कर ली है, और ठंड तो काफ़ी कम हो गई है, जो पहले की तरह नहीं है, जैसे बहुत ही जैसे चिल वाली ठंड है अब, लेकिन इतनी है कि मतलब सहन हो जाती है। तो बस अभी योगा जो हम जाते कम्युनिटी में, अभी वो कहीं पर मैरिज में जा रखी है, तो मैं सोच रही हूँ कि घर पे मैं थोड़ी देर प्राणायाम ही कर लेती हूँ। तो प्राणायाम करके फिर जो है मैं देखती हूँ, थोड़ा ब्रेकफास्ट प्रसाद जल्दी ले लूँगी, क्योंकि अभी मैं घर पर मैं और ठाकुर जी हम ही हैं, और बाकी स्कूल प्रभु जी मंदिर, तो बस मैं और ठाकुर जी। तो ठाकुर जी को मैंने सैंडविचेस फ्रूट्स ऑफर कर दिए हैं, और देखूंगी मैं अभी बनाऊंगी कुछ। आज का मेरा ऐसा कुछ ऐसा प्लान्ड नहीं है, क्योंकि प्रभु जी घर पे नहीं है, राधिका जो है वो आएगी, तो उसे पूछूंगी कि क्या बनाना है, तो ऐसे करके कुछ सिंपल पुलाव या ऐसे कुछ स्नैक्स टाइप बना लेंगे। तो चलिए आज का दिन तो आपके साथ मैं शेयर कर ही रही हूँ। तो आपको ये व्लॉग्स कैसे लगते हैं आप सभी बताइएगा। और मैंने कम्युनिटी में एक बार पूछा भी था कि कहूँ, तो मैंने आप सभी से कम्युनिटी में एक जो है वो मतलब अपना एक प्रॉब्लम रखा था, तो मेरा शेड्यूल काफ़ी बिजी हो गया है इस तरह से डाला था। तो आपने बोला था कि मादी सब कुछ आप सिंपली ब्लूसफुल में, मतलब डेली ब्लॉगिंग जो आप करते हैं वो सिंपली ब्लूसफुल पर डाल दीजिए, और उस पर जो है जब सब कभी भी आप रेसिपीज़ बनाते हो तो आप उस पर डाल दो। तो वही मानते हुए मैं ऐसे ही प्रयास कर रही हूँ। तो आप सभी के जो कमेंट्स होते हैं, जो लाइक्स होते हैं, वो मुझे बताते हैं कि आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं, और इसी से मुझे एक्चुअल में उत्साह मिलता है कि मैं और ब्लॉग्स बनाऊँ। तो आप कमेंट ज़रूर करना, और कोई भी सजेशन है वो शेयर कीजिए। और बहुत सारे जो हैं हमारे सब्सक्राइबर जो है वो कमेंट्स भी लिखते हैं, और वो अपना हार्ट शेयर करते हैं, और मुझे भी बहुत सारी चीज़ सिखाते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है सबके कमेंट्स पढ़ना। और मैं कमेंट्स ज़्यादातर सबके पढ़ती हूँ मैं कमेंट्स, वो कोई ऐसा होगा कि मतलब बहुत बिजी शेड्यूल होगा तो, लेकिन मैं 2 महीने बाद पढ़ू पर मैं पढ़ती हूँ, है ना। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि जैसे मैंने आज वीडियो डाला तो मैं सारे के सारे कमेंट्स वो मतलब पढ़ लूँ 5 मिनट 10 मिनट लगा के। तो ठीक है, तो चलिए प्राणायाम कर लेते हैं, नहीं तो टाइम जो है वो निकल जाएगा, 8 बज रहे हैं एग्जैक्ट। तो आज कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, कपड़े मुझे वॉश करने नहीं है, बस कपड़े मुझे फोल्ड लगाने हैं। तो कल मैंने काफ़ी सारी ऐसे जो पेंडिंग सेवाएँ मैंने कर ली थी, आज मैं थोड़ा सा हसल फ्री हूँ। तो चलिए आज का दिन आप सभी के साथ में मैं शेयर करती हूँ, जितना शूट कर पाई वो एक ब्लॉग में, बाकी जो है नेक्स्ट ब्लॉग में। ठीक है, हरे कृष्णा। जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। अभी मैं ले लेती हूँ गर्मा गर्म प्रसादम उसके बाद में, क्योंकि आज मैंने जो है सैंडविचेस बनाई है, तो सैंडविच बनने में ज़्यादा टाइम लगा नहीं है मुझे, और थोड़ी सी चाउमीन बच रही थी वो मैं अभी थोड़ी सी है, बहुत थोड़ी 2-3 चम्मच ही है, और सैंडविचेस, और ये कटोरी में है आलू की सब्ज़ी। कल जो है आलू की सब्ज़ी थोड़ी सी बच गई है, वो भी मैं अभी उसको एंड कर दूँगी, ख़त्म कर दूँगी। तो चलिए मैं आपको प्रसाद खा के मिलती हूँ। हरे कृष्णा। नमो ब्राह्मणे वैष्णवे सर्वपुण्यम वताम राजन विश्वास।
टाइम टेबल मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया था, तो मैंने इस तरह से लगा के रखा है। जैसे ये ऊपर आप देख सकते हो डे वगैरह लिखे हैं, और इसी के नीचे कि क्या क्या सेवाएं करनी होती है ना, वो मैंने इस तरह से लिखी हुई है। तो आप भी जो है एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको रख लेना, और आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि डे वाइज आपको क्या क्या करना है। ठीक है, हरे कृष्णा। चलिए अभी हम राधिका को स्कूल से लेके आ चुके हैं। राधिका, हरे कृष्णा बोल दो। हरे कृष्णा। अब 11:30 बजे छुट्टी हो जाती है राधिका की, है ना? हल्का हो जाएगा। एक मेरी भी कैप दे दे, ये मेरी है। ठीक है, कपड़े बदल लो, स्वेटर पहन लो। ठीक है, नॉर्मल स्वेटर पहन लो, ठंड कम हो गई है। ठीक है, चाहो तो ट्रैक सूट, नहीं ट्रैक सूट का पहन लो, नहीं स्वेटर ही पहन लो राधिका, ठंड है ही अभी हल्की फुल्की। तो ये पहन लो, येलो वाला पहन लो। तो हरे कृष्णा। तो चलिए मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, और ये बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए भी। तो मैंने ना इस तरह के कुछ स्लिप्स बनाए थे। राधिका पीछे कूद रही है, पता नहीं क्या कर रही है, तो वो तरह से खेलती रहेगी। अभी स्कूल से आई है ना, तो थोड़ा वो भी अपना टाइम स्पेंड कर रही है, कपड़े वगैरह उन्हें चेंज कर लिए, स्वेटर पहन रही है, और धूप बहुत अच्छी खिली है बाहर, है ना? तो यहाँ पर जो है अभी हम जाएं मम्मी के साथ? अभी नहीं जा पाएंगे, थोड़ा आप रेस्ट करो, है ना? सुबह से उठे हुए हो आप। तो अभी मैं आपको दिखा रही थी कि इस तरह के स्लिप बना कर। हरे कृष्णा। तो आप सभी के साथ आज मैंने जो है अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया, जो कि है 3 AM to 12। तो बस 12 बजे तक जो जो मैंने सेवा की आप सभी के साथ में शेयर की, और हो सकता है कुछ ना कुछ मैं शूट करना मैं भूल भी जाती हूँ। क्लीनिंग एंड ऑल का शूटिंग मैं नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मैं बहुत फास्ट फास्ट कर रही थी, और बाकी जो भी मैं शूट कर पाई मैंने जो है आप सभी के साथ में शेयर कर दिया। और आप सभी को मैंने एक बताया था, एक मैंने प्लानर दिखाया था, आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और मे बी इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। मैंने ये वीडियो आप सभी के साथ पहले भी इस तरह के शेयर कर रखे हैं। तो आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा तो आप सभी जो है मुझे बताइएगा। अगर आपको इस ब्लॉग में कुछ भी अच्छा लगा तो आप जो है इस पर कमेंट कर सकते हैं, और चाहे तो सजेशंस भी दे सकते हैं। आपका हार्दिक स्वागत है, और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब किया बिना मत जाना, और इससे जो नेक्स्ट ब्लॉग आएगा उसमें मैं आप सभी के साथ में, जो मेरे हाथ में आपको कुछ स्लिप्स नज़र आ रहे हैं, तो वो हमारे रूटीन के लिए बहुत हेल्पफुल है। इससे हमारी सेवाएँ बहुत ईजीली हो जाती हैं, और बहुत ही जल्दी जल्दी हो जाती हैं। तो इसे नेक्स्ट ब्लॉग आप देखना मत भूलिएगा, और आप सभी के कमेंट्स का जो है मैं ईगरली वेट करती हूँ, और इस वीडियो को जो है लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगी रहिए। हरे कृष्णा।